तीन आतंकी मार के आए गए हैं सर। सर 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 कितने आतंकी मार के आए गए हैं सर टोटल सर क्या हुआ सुबह पूरा अगर बताएंगे हमें। सही नहीं बताई जा सकती क्योंकि ट्रक में अभी आग लगी हुई है, ट्रक की आग को अभी बुझाया जा रहा है और बुझाने के बाद जब तलाशी होगी तब संख्या बराबर बताई जा सकती है, लेकिन दो से तीन कम से कम आतंकी होने की संभावना है। सर क्या हुआ इसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च? ऑपरेशन के बारे में पूरा बताइए सर, कैसे हुआ सुबह, क्या हुआ सर? ये 26 जनवरी के मद्देनज़र हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ब्रिज को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था, जो हाईवे QRT है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा माइक नीचे करो यार थोड़ा। जब ये सिधरा नाके पे पहुँचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक से के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया जिसका जवाब दिया गया। सर ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है? ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी सिक्योरिटी फोर्सेज को मैसेज दे दिया गया। सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं उसको अप्रिहेंड करने के लिए, मजीद जानकारी जब तलाश हो जाएगी। तो सर उसके तंजीम के बारे में कुछ पता चल पाया है? नया ग्रुप था सर? अभी तंजीम सिर्फ नहीं रहेगा, लगभग 7:30 बजे ये बताया जा रहा है, लगभग 7:30 बजे एनकाउंटर जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ था और अभी भी यहाँ पर सर्च जो है वो लगातार जारी। वो देखिए हमारे जो सुरक्षा बल है अपनी जान को जोखिम में रखकर उस ट्रक के अंदर घुसकर जो है वो अभी भी वहाँ पर तलाशी जो है वो वहाँ पर ली जा रही कि क्या कोई आतंकवादी अभी भी जिंदा तो नहीं है, और हल्की हल्की फायरिंग भी जो है आपने यहाँ पर जरूर सुनी होगी। और फिलहाल जिस तरह अगर हम आपको बैक साइड तो ये साफ तौर से आज एक बड़ी कामयाबी जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर विजुअल जो है हम आपको साफ तौर पर अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, जहां पर आज सुबह लगभग 7 बजे के करीब जो है वो पहला फायर हुआ था और 3 आतंकी जो है इस पूरी गतिविधि में जो है वो शामिल थे और आपको हम बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है उन्हें मार गिराया गया है और मौके पर आप देखते हैं किस तरीके से जो इंडियन आर्मी के जवान हैं या फिर QRT के जो जवान हैं या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और आपको हम बताते हैं कि ये तीनों आतंकी जो है वो एक ट्रक में जो है वो यहाँ पर आए थे और यहाँ से कश्मीर की तरफ जाने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। आप विजुअल में देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से इस ट्रक को जो है ये ट्रक है जिस ट्रक में जो है वो आतंकी जो है वो जम्मू में पहुंचे थे। और आपको हम बता दें कि इस ट्रक की जो है वो तलाशी ली जा रही है और अभी किसी को ना आगे जाने की परमिशन जो है वो नहीं दी जा रही है। और आपको हम बता दें कि साफ तौर पर ये विजुअल जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और अगर बात की जाए तो अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और तीन आतंकियों को जो है आज सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है मार दिया गिराया है। और आपको हम बता दें कि ये विजुअल हम आपको सिधड़ा नेशनल हाईवे से जो है वो बता रहे हैं, जहां पर अभी कुछ देर पहले की अगर बात की जाए तो एक ब्लास्ट भी जो है सिधड़ा ब्रिज के पास हुआ था और अब ये दूसरा ऐसा हमला है जो कि सिधड़ा ब्रिज पर हुआ है। और हमेशा से जो आतंकी हैं वो ट्रक का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कश्मीर से जम्मू आने की बात की जाए या फिर जम्मू से कश्मीर होने की बात की जाए तो हमेशा ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से ट्रक को जो है वो घेर लिया गया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। और आपको हम बता दें कि अभी इस ट्रक के पास जो है किसी को